ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा के छिपिटोला मंडी में गौ माता को चाकू से काटने की कोशिश की गई। गौरक्षा विभाग को सूचना मिलने पर गौरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गौ माता का इलाज डॉक्टर गौरव राजपूत, प्रिंस चौहान, संजय गोस्वामी, मोनू तोमर, मंगल सिंह, आकाश सतीश, प्रजापति, विष्णु राजेश, गौरक्षा विभाग की महानगर टीम ने उसका उपचार करवाया और रकाबगंज थाने में FIR दर्ज कराई। शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। एक गौ माता बोल रहे, आज एक गौ माता को चाकू मार दिया किसी ने। आज हम सब लोग आए थे और यहाँ आके देखा, आए हुए हैं, आके चाकू मारा है और अब से आगे बंद कराओ। दीदी गौ आपके ऑर्डर हो चुके हैं शराब शहर के अंदर। अरे आज हमको सूचना मिली थी कि एक गाय माता को, किसी गौ माता के बछड़े को किसी ने धारदार हथियार से घायल किया है। आके देखा तो यहाँ पे हमने पाया कि उसको इतनी बुरी तरह से मारा कि उसके छुरा मतलब उसके घाव ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए गौरक्षा विभाग की टीम ने आके यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, उसको गौशाला जाने की लिए उसका एक बहन भी इंतजाम किया है जिससे वो गौशाला में सुरक्षित पहुँच सके। अगर आगे भी ये कार्रवाई होती रही तो आपके पास इसका कोई उपचार है? अगर ऐसी सूचना बाढ़ भी आती है तो बजरंग दल और गौरक्षा विभाग मिलकर इस पर कार्रवाई करेगा और यहाँ ऐसे लोग जो हैं जो कि इस तरह का सड़न चाह रहे हैं उस पर कार्रवाई करने की योजना है और देखेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ये गौ माता को घायल करने का सड़न दर्श रहे हैं, उनके लिए फिर हम कानूनी कार्रवाई और जो बजरंग दल या गौरक्षा विभाग के कार्यकर्ताओं से बंद बनेगा उसको हम करेंगे। टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें पहुंचें आप तक। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब।